इस लेक्चर में हम समझेंगे कि यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है तो पहले हम समझेंगे यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है देखिए यूनिफॉर्म फ्लो इज डिफाइंड एज दैट टाइप ऑफ फ्लो इन विच द वेलोसिटी एट एनी गिवन टाइम डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस वेलोसिटी आपकी चेंज नहीं होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस मैथमेटिकली यूनिफॉर्म फ्लो को हम किस तरीके से लिख सकते हैं दैट इज डेलवी अपॉन डेलेक्स इज टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट रहेगा इज इक्वल टू क्या रहेगा जीरो अपॉन जीरोक्स मतलब वेलोसिटी रिस्पेक्ट टू स्पेस आपकी चेंज नहीं होना चाहिए चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस कितना आना चाहिए दैट इज जीरो आपका आना चाहिए देखिए डेल्वी यहाँ पे क्या है दैट इज चेंज इन वेलोसिटी डेस क्या लेंथ ऑफ द फ्लो इन द डायरेक्शन ऑफ का है। इन यूनिफॉर्म फ्लो द वेलोसिटी इज ए फंक्शन ऑफ टाइम ओनली विच कैन बी एक्सप्रेस इन इल्यूरियन डिस्क्रिप्शन। एस देखिए वेक्टर वी इज इक्वल टू वी टी इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब हुआ दैट दैट फॉर एन यूनिफॉर्म फ्लो देर विल वील नो स्पेशल distribution of hydrodynamics and other parameter any such parameter will have a unique value in the entire field which of course may change with time if the flow is unsteady dekhi iska matlab kya dekhi space mein yahan pe kuch point hai maan lijiye इस point को मैंने नाम दिया A हुआ इस point को नाम दिया B और इस point को मैंने नाम दिया C। तो देखिए uniform flow में हर point पे velocity same होना चाहिए अगर यहां पे वेलोसिटी फाइव मीटर पर सेकंड है तो यहां पे भी फाइव मीटर पर सेकंड होना चाहिए और यहां पे भी आपका फाइव मीटर पर सेकंड होना चाहिए ठीक है और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो रहेगा तो वेलोसिटी आपकी तीनों पॉइंट पे चेंज होती जाएगी यहां पे फाइव है तो हो सकता है भविष्य में ये सिक्स मीटर पर सेकेंड हो जाए और ये भी आपका क्या हो जाए सिक्स मीटर पर सेकेंड हो जाए अगर यूनिफॉर्म फ्लो है तो तीनों जगह वेलोसिटी क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए अब स्टडी फ्लो में भी हो सकता है स्टडी फ्लो में भी क्या हो सकता है कि तीनों जगह वेलोसिटी आपकी क्या रहे सेम रहे बाकी यूनिफॉर्म फ्लो में क्या होना चाहिए तीनों जगह वेलोसिटी क्या होना चाहिए एक ही होना जरूरी है ठीक अब आगे हम समझते हैं इसको इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या है फ्लो थ्रू स्ट्रेट प्रिजमेटिक कंड्यूट इसमें क्या होगा आपका आपको क्या मिलेगा यूनिफॉर्म फ्लो आपका मिलेगा फ्लो थ्रू स्ट्रेट पाइप ऑफ कॉन्स्टेंट डायमीटर अगर रहेगा तो उसमें आपको क्या मिलेगा यूनिफॉर्म फ्लो आपको मिलेगा अब नॉन यूनिफॉर्म फ्लो क्या होगा नॉन यूनिफॉर्म फ्लो इज दैट टाइप ऑफ फ्लो इन विच द वेलोसिटी एट गिवन टाइम चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू स्पेस वेलोसिटी आपका विद रिस्पेक्ट टू स्पेस क्या हो रहा है चेंज हो रहा है दस मैथमेटिकली फॉर नॉन यूनिफॉर्म फ्लो क्या होगा डेलबी अपॉन डेलेक्स ज नॉट इक्वल टू जीरो नॉन यूनिफॉर्म फ्लो मिलेगा नॉन प्रिजमेटिक मतलब क्या होगा जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो वेरी करता जाए वेरी करता जाए तो उसको नॉन प्रिजमेटिक कंड्यूट बोलते हैं कंड्यूट मतलब कोई भी चैनल कोई भी पाइप फ्लो ए यूनिफॉर्म डायमीटर पाइप बैंड और एक कैनाल बैंड यहां पे भी आपको क्या मिलता है यूनिफॉर्म फ्लो मिलता है हम समझते हैं और देखिए कैसे समझते हैं? मान लीजिए आपका ये कोई चैनल है उसके अंदर मैंने तीन पॉइंट यहां पे लिए हुए हैं तो यहां पे देखिए फ्रूट पार्टिकल आ रहा है देखिये तीनों फ्रूट पार्टिकल की आपको वेलोसरिटी क्या नजर आ रही है सेम नजर आ रही है मतलब ये कैसा फ्लो होगा ये यूनिफॉर्म फ्लो होगा ये देखिए तीनों फ्लू पार्टिकल हैं इनकी देखिए अगर वेलोसिटी आप देखेंगे तीनों के टेन मीटर पर सेकंड टेन मीटर पर सेकंड टेन मीटर पर सेकंड मतलब वेलोसिटी आपकी स्पेस पे डिपेंड नहीं है तो ये कैसा होगा यूनिफॉर्म फ्लो होगा और अगर ये स्टडी फ्लो रहेगा तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वेलोसिटी हमेशा टेन मीटर पर सेकेंड ही होना चाहिए अभी भी और फ्यूचर में भी तो ये कैसा हो जाएगा स्टडी फ्लो हो जाएगा स्टडी फ्लो हो जाएगा इसको हम और एग्जाम्पल से समझते हैं तो आपने देखा स्टडी फ्लो में पर्टिकुलर किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी कभी भी स्पेस पे डिपेंड नहीं, नहीं करती है हर जगह आपकी क्या होती है कांस्टेंट होती है अब देखिए यहां पे ये एग्जांपल है स्टडी और यूनिफॉर्म फ्लो का अभी तो आपने स्टडी फ्लो समझा अनस्टडी फ्लो समझा यूनिफॉर्म फ्लो समझा नॉन यूनिफॉर्म फ्लो समझा अगर कोई फ्लो स्टडी भी है और यूनिफॉर्म भी है तो देखिए क्या होगा तो देखिए यहां पे तीन फ्रूट पार्टिकल हैं तीनों फ्रूट पार्टिकल की वेलोसिटी आपको सेम नजर आ रही है और अगर तीनों फ्रूट पार्टिकल की वेलोसिटी सेम है और हर एक पॉइंट पे फ्रूट पार्टिकल की वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट है वो कभी भी चेंज नहीं हो रही है जो अभी है वही फ्यूचर में रहेगी तो उस तरीके के फ्लो को हम क्या बोलते हैं ट इज स्टडी यूनिफॉर्म फ्लो ये फ्लो आपको कहां मिलेगा फ्लो एट कॉन्स्टेंट रेट थ्रू ए डक्ट ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन अगर कोई डक्ट है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है यूनिफॉर्म है तो आपको स्टडी और यूनिफॉर्म फ्लो आपको मिलेगा सेकेंड जो आपको फ्लो मिलता है दैट इज स्टडी एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो देखिए स्टडी होना चाहिए मतलब किसी भी पॉइंट पर फ्लूट की वेलोसिटी कभी भी टाइम पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए वो हमेशा कॉन्स्टेंट होना चाहिए और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो मतलब

हम इसको नॉन यूनिफॉर्म फ्लो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि तीनों जगह वेलोसिटी देखिए डिफरेंट है तो ये नॉन यूनिफॉर्म फ्लो हो गया अगर तीनों जगह वेलोसिटी सेम रहती तो इसको हम यूनिफॉर्म फ्लो बोलते हैं इस तरीके का फ्लो आपको कहां मिलेगा फ्लो एट कॉन्स्टेंट रेट थ्रू अ डट ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन रहेगा अगर टेपरिंग पाइप रहेगी तो वहां पर आपको स्टडी और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो मिलेगा तीसरा जो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं लेकिन यूनिफॉर्म है तो देखिये कैसा होगा मान लीजिए फ्रूट पार्टिकल आपके आ रहे हैं एबीसी पॉइंट पे आ रहे हैं देखिये एबीसी पॉइंट पे आपका यह पहुंच गया है अभी इसकी वेलोसिटी टेन मीटर पर सेकेंड है तीनों जगह देखिए वेलोसिटी सेम है अब वेलोसिटी क्या हो गई तीनों जगह इलेवन मीटर पर सेकेंड अब कितने हो गए ट्वेल्व मीटर पर सेकंड इसी तरह तीनों जगह देखिए थर्टीन मीटर पर सेकंड फोर्टीन मीटर पर सेकंड फिफ्टीन मीटर सिक्सटीन मीटर सेवनटीन मीटर एट्टीन मीटर पर सेकंड और ये ट्वेंटी मीटर पर सेकंड हो गई तो देखिए तीनों जगह वेलोसिटी क्या है बराबर है पहले ग्यारह मीटर पर सेकंड थी फिर तीनों जगह बारह मीटर हुई फिर तीनों जगह तेरह मीटर हुई फिर चौदह मीटर हुई, हुई अब बीस मीटर पर सेकेंड मतलब तीनों जगह वेलोसिटी क्या है सेम है मतलब ये यूनिफॉर्म हो गया और तीनों जगह वेलोसिटी आपकी चेंज हो रही है इसलिए ये क्या हो गया आपका अनस्टडी फ्लो हो गया तो इट इज एग्जाम्पल ऑफ अनस्टडी यूनिफॉर्म फ्लो तो देखिए फ्लो एट वेरिंग रेट थ्रू ए लॉन्ग स्ट्रेट पाइप ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन तो वहां पे आपको इस तरीके का फ्लो मिल जाएगा क्या बोल रहा है आल्दो अनस्टडी यूनिफॉर्म फ्लो इज इम्प्रैक्टिकल अनस्टडी यूनिफॉर्म फ्लो आपका क्या होता है इम्प्रैक्टिकल होता है ये प्रैक्टिकली पॉसिबल होना बड़ा मुश्किल हो जाता है इसको बट इफ यू स्लोली ओपन द टैप ऑफ द शावर द वॉटर फ्लो रेट इन द पाइप विल स्लोली इंक्रीज ओवर टाइम एंड एवरी पॉइंट अलोंग द पाइप द फ्लो विल बी सेम सो द फ्लो वुड बी यूनिफॉर्म बट अनस्टडी जैसे हम शावर खोलते हैं तो आप आप क्या करिए पानी को धीरे धीरे बढ़ाइए टैप को धीरे धीरे खोलिए तो क्या होगा हर जगह फ्रूट की वेलोसिटी क्या रहेगी सेम रहेगी लेकिन धीरे धीरे बढ़ती जाएगी पहले वन मीटर पर सेकंड फिर टू हुआ फिर थ्री हुआ फिर फोर हुआ फिर फाइव हुआ कब जब आप टैप को धीरे धीरे खोलेंगे तो वो क्या एग्जाम्पल हो जाएगा अनस्टडी और यूनिफॉर्म फ्लो लेकिन ये प्रैक्टिकली क्या रहता है इम चीज़ रहती है ये प्रैक्टिकली पॉसिबल होना बड़ा मुश्किल रहता है एक और फ्लो होता है दैट इज अनस्टडी और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो देखिए ये क्या था स्टडी और यूनिफॉर्म यह स्टडी और नॉन यूनिफॉर्म ये अनस्टडी और यूनिफॉर्म और अगला क्या है अनस्टडी और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो फ्लो एट वेरिंग रेट थ्रू डक्ट ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन जब रहेगा तो आपको क्या मिलेगा अनस्टडी और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो मिलेगा ठीक है तो ये चारों तरीके के जो फ्लो है हमको समझ में आना बहुत जरूरी है फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो देखिए आपने एक्सलरेशन पढ़ा था एक्सलरेशन में आपने पढ़ा था ए इज इक्वल टू वी इंटू डेल वी अपॉन डेलेक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल्टी तो ये आपका क्या था कन्वेक्टिव एक्सलरेशन था और ये आपका क्या था लोकल एक्सलरेशन था ठीक है तो देखिए इसमें हमने लिखा कन्वेक्टिव एक्सलरेशन क्या वी इंटू डेल वी अपॉन डेलेक्स लोकल क्या दैट इज अपॉन डेल्टी तो देखिए इस वाले चार्ट को ध्यान से देखिएगा टाइप्स ऑफ फ्लो उसमें टेम्पोरियल कंपोनेंट कं, मिलेगा या नहीं मिलेगा कन्वेक्टिव कंपोनेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा तो पहले यहाँ पे देखिए स्टडी और यूनिफॉर्म फ्लो में क्या क्या मिलेगा वो हम समझेंगे स्टडी और नॉन यूनिफॉर्म में हमको क्या क्या मिलेगा अनस्टडी और यूनिफॉर्म में हमको क्या क्या मिलेगा और अनस्टडी और नॉन यूनिफॉर्म में इन दोनों में से अपने को क्या क्या मिलेगा तो पहले देखिए इन स्टडी फ्लो द टेम्पोरल एक्सलरेशन इज जीरो सिंस वेलोसिटी एट एनी पॉइंट इज इन वेरियंट विद टाइम देखिए अगर स्टडी फ्लो रहेगा तो टेम्पोरल एक्सलरेशन आपका जीरो हो जाएगा डेल बी बाई डेल्टी इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा फॉर फॉर स्टडी फ्लो स्टडी फ्लो में हम जानते हैं वेलोसिटी हो प्रेशर हो डेंसिटी हो या दूसरी फ्लू प्रॉपर्टी हो वो टाइम पे डिपेंड नहीं रहती है वो टाइम पे डिपेंड नहीं रहती है मतलब डेल्वी बाई डेल्टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी जीरो हो जाएगी तो स्टडी फ्लो के लिए टेम्पोरल एक्सलरेशन कितना हो जाएगा जीरो सेकेंड ये बोलता है इन ए यूनिफॉर्म फ्लो अगर फ्लो आपका यूनिफॉर्म है मतलब वेलोसिटी आपकी स्पेस पे डिपेंड नहीं करेगी इन ए यूनिफॉर्म फ्लो द कन्वेक्टिव एक्सलरेशन इज जीरो मतलब डेल्वी अपॉन डेलेक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी जीरो मतलब यूनिफॉर्म फ्लो में कन्वेक्टिव एक्सलरेशन आपको कितना मिलेगा जीरो सिंस द द वेलोसिटी कंपोनेंट आर फंक्शन ऑफ स्पेस कोऑर्डिनेट ठीक तो देखो जब आपका कन्वेक्टिव एक्सलरेशन रहेगा जब आपका यूनिफॉर्म फ्लो रहेगा जब यूनिफॉर्म फ्लो रहेगा तो डेल्वी अपॉन डेलेक्स की वैल्यू कितनी रहेगी जीरो रहेगी जब स्टडी फ्लो रहेगा तो स्टडी फ्लो टाइम पे डिपेंड नहीं करता है तो जब स्टेडी फ्लो रहेगा तो डेल्वी अपॉन डेल्टी की वैल्यू कितनी रहेगी जीरो आपकी रहेगी तीसरा बोलता है इन स्टडी एंड यूनिफॉर्म फ्लो अगर फ्लो आपका स्टडी है और यूनिफॉर्म है दोनों हैं तो दोनों है तो क्या होगा टेम्पोरल भी आपका जीरो रहेगा और कन्वेक्टिव भी आपका जीरो रहेगा अगर फ्लो स्टडी और यूनिफॉर्म है तो आपका क्या होगा टेम्पोरल कंपोनेंट टेम्पोरल कंपोनेंट आपका जीरो होगा कन्वेक्टिव भी क्या होगा जीरो होगा अगर फ्लो आपका स्टेडी और नॉन यूनिफॉर्म है अगर स्टेडी है तो टेम्पोरल तो आपका जीरो रहेगा लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो आपको कन्वेक्टिव एक्सलरेशन मिलेगा मतलब उस केस में कन्वेक्टिव एक्सलरेशन यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा अगर फ्लो आपका अनस्टडी है अगर स्टेडी रहता तब तब तो टेम्पोरल आपका जीरो होता डेल्वी अपॉन डेल्टी इक्वल टू तो जीरो रहता लेकिन ये अनस्टडी है अनस्टेडी है तो डेल्वी बाई डेल्टी की वैल्यू आपको यहाँ पे मिलेगी लेकिन यूनिफॉर्म है यूनिफॉर्म में तो कन्वेक्टिव एक्सलरेशन की वैल्यू जीरो हो जाएगी क्योंकि डेल्वी अपॉन डेलेक्स कितना होता है यूनिफॉर्म के लिए जीरो होता है चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस कितना होता है जीरो होता है तो अनस्टेडी और यूनिफॉर्म के लिए कन्वेक्टिव एक्सलरेशन विल बी इक्वल टू ज़ीरो अगर फ्लो आपका अनस्टेडी है तो टेम्पोरल आपको मिलेगा अगर फ्लो आपका नॉन यूनिफॉर्म है तो आपको कन्वेक्टिव एक्सेलेशन भी मिलेगा तो हमें ये ध्यान में रखना है जब हम ऑब्जेक्टिव तरह के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो उसमें इन कंसेप्ट की जरूरत हमको पड़ती है